हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, रीट में पूछे जाते हैं। मेनली इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट, एच टेट, रीट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ इनसे रिलेटेड अपलोड की हुई है, वो एक बार आप प्लेलिस्ट में देख लेना, इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हैं, तो आज के इस वीडियो में भी हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो देखिए डियर, एरिक्सन जो है, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत मीन्स साइको सोशल थ्योरी इन्होंने दी थी, और इन्होंने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को 8 अवस्था में विभाजित किया है। सबसे पहली जो है मौखिक, ठीक है, ये शैशवावस्था कहलाती है। और दूसरी जो है गुदाजन्य, ये अवस्था थी 2 वर्ष की। और तीसरी जो है लैंगिक, है ना, तीसरी जो है लैंगिक, इसको आप नोट डाउन कर लेना, जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था इन्होंने बताई थी। और चौथी है प्रसुप्ति अवस्था, ये प्रसुप्ति अवस्था जो है ये बताई थी 6 से 12 वर्ष की आयु को। और इसके बाद इन्होंने बताई थी जो 5th है किशोरावस्था, 13 से 18 वर्ष की आयु को बताया था। युवावस्था जो 19 से 21 वर्ष तक की आयु को बताया था। 7th है प्रौढ़ावस्था, जो 22 से 50 वर्ष की आयु तक इन्होंने बताया था। और लास्ट जो है 8th, वो है परिपक्व या अधेड़ अवस्था मीन्स मैच्योरिटी, ये इन्होंने 50 वर्ष के पश्चात की जो अवस्था है वो बताया था। तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी मानव विकास की, ठीक है। आगे है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहां स्थापित की? तो किसने की थी? इसका जो उत्तर है विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग स्थान पर, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। सामाजिक विघटन की क्रियाएँ किससे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की जो क्रियाएं हैं किसे कहती हैं? उत्तर है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं, ठीक है। तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष, जो भी ये एक्टिविटी होती हैं इनको कहते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में। सबसे पहले समाज के नियमों को सीखना, जो भी समाज में रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको सीखना और उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर करना, व्यवहार करना, और सामाजिक अभिवृत्तियों का जिससे विकास होता है, ठीक है। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का जो वजन है वो 350 ग्राम होता है। स्वास्थ्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1400 ग्राम। 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में, 6 महीने में बच्चे का जो जन्म है, सॉरी वजन है, वो समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा की तुलना में अधिक होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक की जो लंबाई होती है 20 इंच होती है और बालिका की लंबाई 19.5 इंच। मानव के अस्थाई दांत, दूध के दांत कितने होती हैं? तो 20 दूध के दांत होते हैं। मानव के स्थाई दांत कितने होते हैं? तो 12 हैं। किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो 4 दांत आते हैं, कौन कौन से, जिन्हें अकल की दाढ़ भी कहते हैं। 4 दांत जो हैं वो हमारे बाद में आते हैं। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो पेयर होता है 23 23 का, तो ठीक है। मनुष्य की जो संरचना है वो 23 गुणसूत्रों से हुई है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा जो है लिंग का निर्धारण करता है कि लड़का हो गया या लड़की। डिंब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिंब अवस्था जो होती है ये कितने दिन की होती है? ये होती है 14 दिन की। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? तो पिंड अवस्था का जो समय है वो होता है 14 दिन 2 महीना। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो ये आता है होमो सेपियंस प्रजाति में। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। ऑप्शन में या तो किलो में पूछा जाएगा या पाउंड में। 2 किलो 500 ग्राम से कम जो बच्चा होता है, मीन्स जिसका वजन 2 किलो 500 ग्राम से कम होगा, तो वो जो बच्चा है कुपोषित माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, जो अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था रोडल्फ गायकेल। सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहती हैं? तो दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य जो इंट्रैक्शन होता है, परस्पर संबंध और या क्रियाएं होती हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं, वो कहलाती हैं सामाजिक अंतःक्रिया। कौन कौन सी? जैसे सहयोग, एक दूसरे को वो कॉपरेट करती हैं, दूसरों के प्रति वो सहानुभूति दिखाते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं, तो वो जो सोशल इंट्रैक्शन होती है वो कहलाती है सामाजिक अंतःक्रिया। जन्म के समय बालक का भार होता है तो 6 से 8 पाउंड। अगला है, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, तो हेरिडिटी के जो वास्तविक निर्धारक माने जाते हैं वो गुणसूत्र माने जाते हैं। बालक के विकास में महत्व होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का। दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। जो दिन में सपने लेते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, वो दिन में होती है किशोरावस्था में। सृजनशील बालकों का लक्षण है, जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनमें जिज्ञासा अधिक होती है, इनकी ये लक्षण है। क्रोध संवेग के कारण उत्पत्ति प्रवृत्ति है, तो जो इमोशन है संवेग, जो क्रोध, तो इसकी बतानी है मूल प्रवृत्ति। तो क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न प्रवृत्ति है युत्सा, और मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, देख लेना वो आप। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में? तो वे करते हैं किशोरावस्था में। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हरलोक का। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, तो ये है प्रकृति का अवलोकन करना। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये है संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, तो जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? तो ये कहा है स्टीफन्स ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 13 से 19 वर्ष के जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें आत्मगौरव की भावना पाई जाती है। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल से संबंधित जो अवबोध है वो हो जाता है? तो 9 वर्ष की आयु में हो जाता है। उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है? तो 6 से 12 वर्ष तक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? तो 14 वर्ष तक बालक की मानसिक आयु का, मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं हैं। स्व केंद्रित सेल्फ सेंटर्ड जो अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में, सेल्फ सेंटर्ड मीन्स वो खुद पर ध्यान देते हैं, उनको सजना सवरना शीशे में देखना वो अच्छा लगता है, तो 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना ये किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होती हैं? तो वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं, जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से। प्याजे मुख्यतः किसके संयोग के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? तो किसका महत्व है? खेल का। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, इसका जो उत्तर है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की है, और इसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में जो है, मतलब बच्चे को लंबाई, समय, भार,
जो ये कंसेप्ट है वो सीख जाता है, और इस अवस्था में बच्चा करके सीखता है और वो वस्तुओं का जो सीक्वेंस है वो निर्धारित करके उनका क्लासिफाई कर सकता है, एक्सप्लेन उसकी कर एक्सप्लेनेशन दे सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। और इस आयु काल में बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है, लेकिन उसका जो चिंतन है मीन्स वो कुछ डायरेक्ट जो वस्तुएं वो देखता है वहीं तक सीमित रहता है। और इस अवस्था में बालक जो है पर्यावरण के साथ जो है अनुकूलन स्थापित करना सीख जाता है। ओके, अगला है सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है, तो उनमें कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन से। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो चिंतन जो है ये है संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे, तार्किक चिंतन। प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, मीन्स वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता बच्चा, तो 7 वर्ष की आयु तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है, तो तर्क करने की प्रधानता बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है, तो ये होता है 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है, तो ये उसके इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है, आंतरिक कारक। माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं वंशानुक्रम। आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं तो जीन्स माने जाते हैं, और वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात योग्यताओं का विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो ये जो कथन है BN झा का। बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, तो ये जो विचार दिया था ये स्पाइकर तथा इरविन ने दिया था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है फ्रॉबेल ने, और मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इस पद्धति के बारे में, देख लेना वो। अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। परिवार एक साधन है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन का एक एग्जाम्पल है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम करने का सुझाव उनको देना। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसे कहा जाता है, तो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो है वो है परिपक्वता एवं आयु। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, तो वो है शैक्षिक टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान करना, कन्वर्सेशन करना। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है तो वो है अनुकरण, मीन्स बच्चे जो हैं दोहराते हैं, दूसरों को देखकर दूसरों का अनुकरण करके वो कौशलों को सीखते हैं। पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, स्कैनिंग। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, बोध से। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय सबसे अच्छा है या अच्छी है, तो वो है मेरा परिवार, क्योंकि परिवार जो है वो बच्चे का प्राथमिक विद्यालय माना जाती है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए ये जो विषय वस्तु है सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि परिवार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है और वो परिवार में ही सबसे पहले वो रहता है, ठीक है। तो यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।